लखीमपुर खीरी में सगी दो बहनों के साथ गैंग रेप के बाद हत्या कर दी। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय लोक दल जनपद के जिला प्रभारी सर्वेश पाठक के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया और सर्वेश पाठक ने मांग की लखीमपुर खीरी जनपद में सगी दो बहनों के साथ संघन्य अपराध की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाने की मांग की। लखीमपुर खीरी के थाना सिंहासन क्षेत्र में दो सगी बहनों की हत्या की गई है। शीघ्र से शीघ्र घटना में लिप्त दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की मांग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त एवं चौपट है। अपराधियों को शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है। महिला सम्मान हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाए। हम सब राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ हैं। मांग करते हैं कि उक्त बिंदुओं की शीघ्र से शीघ्र जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम भैया आपका? सर्वेश पाठक, राष्ट्रीय लोकदल बरेली। क्या मांग है आज? हमारी ये मांग है कि अभी दो तीन दिन पहले की बात है, लखीमपुर खीरी में दो सगी बहनों का जघन्य अपराध लोगों ने किया, उनकी हत्या की गई। उसके विरोध में सभी लोगों को, हम सब राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी जिसने भी ये कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि कोई अपराधी इसमें नहीं फंसना चाहिए और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का जो है कोई भी कंसेप्ट शासन प्रशासन पर नहीं है, अपराधियों का बोलबाला है और ऐसे घृणित अपराध हर जिले में कहीं ना कहीं आपको जब से ये सरकार आई है देखने को मिल रहे हैं। हम इसका डट के विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, महिला सुरक्षा की मांग करते हैं। हम ये आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए बरेली जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं कि महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की जाए। अधिकतर महिलाओं के सम्मान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है। हमारी मांग है कि ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।